नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का चैप्टर है संगठन में ताकत, स्ट्रेंथ इन ऑर्गेनाइजेशन। एक वन में बहुत बड़ा अजगर रहता था। वह बहुत अभिमानी और अत्यंत क्रूर था। जब वह अपने बिल से निकलता तो सब जीव उससे डर कर भाग खड़े होते। उसका मुंह इतना विकराल था कि खरगोश तक को निगल जाता था। एक बार अजगर शिकार की तलाश में घूम रहा था। सारे जीव तो उसे बिल से निकलते देखकर ही भाग चुकते हैं। उसे कुछ न मिला तो वह क्रोधित होकर फुफड़ाने लगा और उधर उधर थाक छानने लगा। वही निकट में एक हिरणी अपने नवजात शिशु को पतियों के ढेर से नीचे छिपाकर स्वयं भोजन की तलाश में दूर निकल गई थी। अजगर की फुफकार से सूखी पत्तियां उड़ने लगी और हरणी का बच्चा नजर आने लगा। अजगर की नजर उस पर पड़ी। हिरणी का बच्चा उस भयानक जीव को देखकर इतना डर गया कि उन्हें मुंह से चीज तक न निकल पाए। अजगर ने देखते ही देखते नवजात हिरण के बच्चे को निगल लिया। तब तक हिरणी भी लौट आई थी। वह क्या करती, आंखों में आंसू भर जड़ होकर दूर से अपने बच्चे को काल का ग्रास बनने देखती रही। हिरणी के शौक का ठिकाना न रहा। उसने किसी न किसी तरह अजगर से बदला लेने की ठान ली। हिरणी का एक नेवले के दोस्त थी। शोक में डूबी हिरणी अपने मित्र नेवले के पास गई और रोककर उसे अपनी दुख भरी कथा सुनवाई। नेवले को भी बहुत दुख हुआ। वह दुख भरे स्वर में बोला, मित्र, मेरे बस में होता तो मैं उस नीच अजगर के 100 टुकड़े कर डालता, पर क्या करे, वह छोटा मोटा सांप नहीं है जिसे मैं मार सकूं। वह तो एक अजगर है। अपनी मूछ की फटकार से ही मुझे अधमरा कर देगा। लेकिन यहाँ पास में ही चीटियों की एक बाबी है। वहाँ की रानी मेरी मित्र है, उसके सहायता मांगनी चाहिए। इन्होंने निराश स्वर में विलाप किया, पर जब तुम्हारा जितना बड़ा जीव उस अजगर का कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है तो वह छोटी सी छोटी क्या कर लेगी। नेवले ने कहा, ऐसा मत सोचो, उसके पास चींटियों की बहुत बड़ी सेना है, संगठन में बड़ी शक्ति होती। हिरणी को कुछ आशा का किरण नजर आए। नेवला हिरणी को लेकर चींटी रानी के पास गया और उसे सारी कहानी सुनवाई। चिंटी रानी के सोच विचार कर कर कहा, हम तुम्हारी सहायता करेगी। हमारी बॉम्बे के पास एक संकरिया नुकीले पत्थरों पर रास्ता है। तुम किसी तरफ उस अजगर को उस रास्ते से जाने पर मजबूर करो, बाकी काम मेरी सेना पर छोड़ दो। नेवले को अपनी मित्र चिंटी रानी पर पूरा विश्वास था, इसलिए वह अपनी जान जोखिम में डालने पर तैयार हो गया। दूसरे दिन नेवला जाकर सांप के बिल के पास अपने बोली बोलने लगा। अपने शत्रु की बोली सुनने ही अजगर क्रोध में भर कर अपने बिल से बाहर आया। नेवला उसी संकरे रास्ते वाली दिशा में दौड़ा। अजगर ने पीछा किया। अजगर रुकता तो नेवला मुड़ कर
फुफड़ाता और अजगर का गुस्सा दिलाकर फिर पीछा करने पर मजबूर करता। इसी प्रकार नेवले ने उसे संकरीले रास्ते से गुजरने पर मजबूर कर दिया। निकले पत्थरों से उसका शरीर छिलने लगा। जब तक अजगर उस रास्ते में बाहर आया तब तक उसका काफी शरीर छिल गया था और जगह जगह से खून टपक रहा था। उसी समय चींटियों की सेना ने उस पर हमला कर दिया। चींटियां उससे शरीर पर चढ़कर छिले स्थानों के नंगे मांस के काटने लगी। अजगर जड़प उठा, अपना शरीर पलटने लगा जिससे और मांस छिलने लगा और चींटियों को आक्रमण के लिए नए नए स्थान मिलने गए। अजगर चींटियों का क्या बिगाड़ता, वे हजारों की गिनती में उस पर टूट पड़ रही थी। कुछ ही देर में क्रूर अजगर ने तड़प तड़प कर दम छोड़ दिया। सिख संगठन शक्ति बड़े बड़ों का दूल चटा देती है। आज का दिन मंगलमय हो, मंगलमय हो, मंगलमय हो।